हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आईपीएल टीम प्रीव्यूज की सीरीज में अब बारी है एक ऐसी टीम की जिसे अब तक शायद 2-3 ट्रॉफीज जीत जाना चाहिए था, सिर्फ अगर कंसिडर करें कि किस तरह के स्टार प्लेयर्स, किस तरह का टैलेंट इनके पास रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये टीम के पास हमेशा बड़े बड़े नाम रहे हैं। इस टीम का फैन बेस बहुत सॉलिड है, बट समहाउ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से ये लोग ट्रॉफी नहीं जीत पाते। इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आईपीएल 2023 के लिए किस तरह की दिख रही है ये टीम और किस तरह के चांसेस हो सकते हैं। लेट्स गो। आरसीबी हमेशा एक अप एंड डाउन सी टीम रही है, एक रोलर कोस्टर सी टीम रही है सबके लिए। हमेशा ये कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, सीजन ऑन सीजन भी कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, कई बार सीजन के बीच में भी कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल कर जाते हैं। 2-3 मैच बहुत बढ़िया खेलेंगे, फिर 2-3 मैच बहुत खराब खेलेंगे, बट पिछले 3 सीजन से लगातार किसी ना किसी तरह ये लोग प्लेऑफ्स तक पहुंच रहे हैं। वो आगे का स्टेप नहीं हो पा रहा, बट ये कंसिस्टेंसी तो आई है कम से कम। एंड इन सब में भी एक ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है टीम के साथ, आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये इंप्रूवमेंट होती जा रही है। लास्ट सीजन में एटलीस्ट एक अच्छी टीम, एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखा, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है और उस बेस को, उस टीम को काफी हद तक रिटेन किया है इन्होंने। रीस टॉपली, माइकल ब्रेसवेल, इस टाइप के प्लेयर्स ने इन्होंने अच्छा एक ओवरसीज टैलेंट का एडिशन किया है और बाकी कोर को तो अपने संभाल के रखा ही। बट यहाँ पे इनके पास एक इंजरी कंसर्न्स का एक लंबा चिट्ठा खुला हुआ। जॉर्ज हेजलवुड अगेन, जो कि लीडिंग बॉलर हैं इस टीम के, लीडिंग फास्ट बॉलर हैं इस टीम के, उनको एक इंजरी इशू चल रहा है काफी टाइम से, एंड पक्का नहीं है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, और खेल पाएंगे तो कब खेल पाएंगे, कितने मैचेस खेल पाएंगे। ज्यादातर चांसेस है कि फर्स्ट हाफ तो फॉर श्योर नहीं खेल पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। उसके अलावा रजत पाटीदार, जो कि लास्ट ईयर के बड़े ब्रेकआउट स्टार थे, नंबर 3 पे खेले थे, बहुत बढ़िया खेले थे, प्लेऑफ में उन्होंने लखनऊ के अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी थी, वो भी एक इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका भी फर्स्ट हाफ में तो खेलना इम्पॉसिबल है, सेकेंड हाफ का अभी पता नहीं है, अभी उनको असेस किया जाएगा, तो वो एक बहुत बड़े मिस होने वाले हैं इस टीम के लिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन फिल की थी उन्होंने इस टीम में। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, जो कि एक फ्रीक इंजरी के वजह से टांग टूट गई थी उनकी, फ्रीक एक्सीडेंट की वजह से, आपस में दोस्तों यारों में भागते भागते टांग टूट गई थी उनकी पता नहीं कैसे, वो अभी बहुत रिसेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में ही वापस आए क्रिकेट में, और अपेरेंटली उस टाइम पे भी उनको कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ है उसी टांग में। तो इंजरी कंसर्न, स्पेशली इतने की प्लेयर्स को, ये एक बड़ा कंसर्न होने वाला है इस टीम के लिए इस सीजन में जाते हुए। करते हैं एक फटाफट से स्पॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ से शुरुआत करें तो एक स्ट्रेंथ तो है इनकी बैटिंग, स्पेशली जो बड़े नाम है इनके बैटिंग लाइनअप में। विराट कोहली धीरे धीरे करके फॉर्म में वापस आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा मैनेजमेंट के लिए, फैंस के लिए, एंड अब तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने फैंस के सामने खेलेंगे, तो वो भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इनको। विराट कोहली के फॉर्म पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा और वो एक स्ट्रेंथ भी है इस सीजन के लिए। फाफ डुप्लेसी इस एज में भी अपने गेम को री इन्वेंट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके और एक्सप्लोसिव बैट्समैन होते जा रहे हैं, तो जो इनका ओपनिंग जोड़ी है कोहली और फाफ डुप्लेसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा इन दोनों को देखने। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल अगर तो फिट हो जाते हैं तो एक स्ट्रेंथ है इस टीम के लिए, एक नंबर 4 पे बहुत अच्छा एक गेम चला के देते हैं इनको। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक फिनिशिंग रोल में, वो एक रिसर्जेंस जो हुआ है उनका एज अ फिनिशर, वो बहुत बढ़िया है, देखने में बड़ा मजा आता है। कितना खेल रहे हैं और कितना नहीं खेल रहे हैं वो अलग बात है, बट एक स्ट्रेंथ वो है इनकी, टुवर्ड्स द एंड आके एकदम तोड़ना फिनिशिंग रोल में, वो एक इनकी स्ट्रेंथ है फॉर श्योर। फास्ट बॉलिंग यूनिट भी अच्छा दिख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मोहम्मद सिराज धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपने स्किल्स को और बढ़ाते जा रहे हैं, इंडियन टीम में अपनी जगह उन्होंने सॉलिडिफाई कर ली है, तो वो एक बड़े प्लेयर होने वाले हैं सीजन में। हर्षल पटेल, रिसेंटली उनको इंडियन टीम से बाहर कर दिया गया और वो इस टूर्नामेंट में अपने आप को फिर से प्रूव करना चाहेंगे, फिर से ये दिखाना चाहेंगे सबको कि जी अभी भी आप उन पे रिलाई कर सकते हो, स्पेशली एज अ डेथ बॉलर, तो वो एक अगेन बड़ा फैक्टर होगा टीम के लिए। उसके अलावा जॉश हेजलवुड अगर तो फिट हो जाते हैं, जितना जल्दी फिट हो उतना बेटर है इस टीम के लिए, बट अगर नहीं होते तो रीस टॉपली और डेविड विली, इन दोनों प्लेयर्स में एक अच्छा बैकअप ऑप्शन मिलता है आपको, तो वो भी एक कवर्ड है वो एरिया। बोलिंग ऑलराउंडर्स भी इस टीम के पास काफी सारे भर के हैं, शाहबाज अहमद हैं, वनिंदु हसरंगा हैं, डेविड विली हैं, हर्षल पटेल हैं,
तो वो जो लोअर बैटिंग ऑर्डर का वो जो एक एरिया रहता है ना कि आखिर में आके जल्दी जल्दी रन बनाने हैं, कि अगर ऊपर से कुछ कोलैप्स होता है तो नीचे तक संभले, बैटिंग में डेप्थ रहे, वो एक इनके पास अच्छा बैंक है बॉलिंग ऑलराउंडर्स का। पर इसी सब में, इन्हीं सब स्ट्रेंथ्स में एक एक दो दो करके वीकनेसेस भी निकल के आती है। बैटिंग में जो सबसे पहले अगर वीकनेसेस की बात करें, बैटिंग में हमने जो स्टार प्लेयर्स की बात की उसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और स्पेशली मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो आपका नंबर थ्री पाटीदार नहीं है, तो नंबर थ्री एक कंसर्न का स्पॉट है। नंबर फाइव अभी तक कुछ लॉक्ड इन नहीं है, लोमरोवर हो सकते हैं, सुरेश प्रभुदेसाई हो सकते हैं, इन सब प्लेयर्स के पास कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ग्लेन मैक्सवेल फिट नहीं होते हैं तो नंबर चार भी खाली हो जाता है और वो और ज्यादा बड़ा कंसर्न हो जाएगा इस टीम के लिए। उसके अलावा स्पिन बोलिंग डिपार्टमेंट एक बड़ा कंसर्न है इस टीम के लिए, बिकॉज वानिंदु हसरंगा है आपके पास, लीडिंग स्पिनर है वर्ल्ड में, बहुत अच्छी स्टैंडिंग पे है वो, उनको माना जाता है बहुत बढ़िया स्पिनर। उसके अलावा शाहबाज अहमद है, उन्होंने भी अच्छा किया है पिछले कुछ टाइम से, इंडियन टीम में भी उनको एक दो चांसेस मिले हैं, अच्छे प्लेयर हैं वो भी। पर अगर तो आपके स्पिनिंग ट्रैक्स हैं तो शाहबाज अहमद ऐसे कोई बहुत ज्यादा बॉल टर्न नहीं कराते हैं। हसरंगा के अलावा शाहबाज अहमद को गिन भी लो तो भी आपके पास कोई तीसरा रिलायबल स्पिन ऑप्शन नहीं है। करण शर्मा है टीम में पर वो कितना खेले कितना नहीं ये डिबेटेबल है अभी। एंड उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अभी दिख नहीं रहा कोई सॉलिड ऑप्शन, रिलायबल ऑप्शन। स्पिन बोलिंग एक कंसर्न रहेगा, स्पेशली स्पिनिंग ट्रैक्स पे, स्लो ट्रैक्स पे। फिर आता है फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट। फास्ट बोलिंग में भी आपके पास जो इंटरनेशनल नाम है वो है, उसके अलावा जो इंडियन नाम है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी। आकाशदीप पिछले सीजन में दो चार मैच खेले थे। इसके अलावा अविनाश सिंह है एक नाम जो कि धीरे धीरे करके एक्साइट कर रहा है लोगों को, बट अगेन प्रूवन नहीं है इस लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, तो वहां पे एक ये टीम को दिक्कत हो सकती है। सिद्धार्थ कौल भी हैं, काफी टाइम से आईपीएल टीम्स के आसपास हैं, पर धीरे धीरे करके उनका स्टॉक कम ही होता जा रहा है। ऐसे में फास्ट बोलिंग, इंडियन फास्ट बोलिंग का इनके पास जो रिजर्व है वो कमजोर दिख रहा है और वो एक बड़ा कमजोर होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, सुरेश प्रभुदेसाई, इस टाइप के सारे जो इंडियन बैट्समैन हैं इनके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनको चांसेस मिलेंगे इस बार, इनको नंबर थ्री नंबर फाइव और आगे पीछे भी चांसेस मिलने वाले हैं, तो इन लोगों के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंप्रेस करने की और अपने करियर को एक किक स्टार्ट देने की। फिर विराट कोहली, बहुत स्ट्रेंज लगता है इतने बड़े प्लेयर को ये बोलना कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पर पिछले कुछ टाइम से फॉर्म खराब सी चल रही थी उनकी, पिछला सीजन भी उनका उतना अच्छा नहीं रहा, विराट कोहली स्टैंडर्ड से तो कहीं आसपास नहीं रहा। अब फॉर्म में आए हैं, पिछले छह महीने में इंडिया के लिए अच्छा किया है, तो ये वाला आईपीएल एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, खुद के लिए अपना एक अथॉरिटी स्टैम्प करने की, सबको बताने की कि अभी भी मैं कोहली हूँ, जिंदा है। एंड एक जो धीरे धीरे करके मोमोस उठ रहा है ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की शायद जगह ना बने आगे चलते हुए अगले T20 वर्ल्ड कप तक इंडियन T20 टीम में, तो ये एक बढ़िया अनाउंसिंग प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि अभी भी इस लेवल के स्किल और इस लेवल के एक्सपीरियंस के आप सब्स्टिट्यूट इतने आराम से ढूंढ नहीं सकते हो। और अगर इन्होंने 500 550 600 रन का सीरीज मार दिया, ये वाला सीजन मार दिया, तो अगेन ये वापस कोई इन्हें हिला नहीं सकता इंडियन टीम के कॉन्वर्सेशन में से। हर्षल पटेल के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमने पहले बात की कि उनका स्टॉक धीरे धीरे करके कम होता गया है, पिछले कुछ टाइम से इंजर्ड थे, उसके बाद फिर अपने उस पीक पे वापस नहीं आ पाए, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके पास वापस फॉर्म में आने की और वापस अपने आप को प्रूव करने की। फिर अगर थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है इस टीम का, जो इंजरीज हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, इंपॉर्टेंट रोल्स में प्लेयर्स को इंजरीज हैं, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है इस टीम के लिए। एंड ऐसे में जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो बाकी फ्रिंज प्लेयर्स रहते हैं, उन सबको स्टेप अप करके अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अलग अलग स्टेजेस पे अगर इस टीम को कुछ भी करना है तो। एंड अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ्स हैं, बट हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो वो एक बड़ा थ्रेट होने वाला है इस लेवल के टूर्नामेंट में। 11 अगर देखें तो ओपनिंग कॉम्बो तो सेट है, फाफ डू प्लेसी, कैप्टन पीके और विराट कोहली, ये ओपनिंग कॉम्बो सेट है। फिर नंबर थ्री पे एक थोड़ा सा कंसर्न आता है, वहां पे अनुज रावत आपके फिट होंगे मोस्ट लाइकली एट दिस पॉइंट इन टाइम जो दिख रहा है। फिर ग्लेन मैक्सवेल अगेन ठीक है, शायद सीजन शुरू ना करें, बट अगर मोस्ट लाइकली स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जो मर्जी कह लो उसको, तो ग्लेन मैक्सवेल नंबर चार पर फिट होते हैं। फिर नंबर पांच पे महिपाल लोमरोर या सुरेश प्रभुदेसाई, इन दोनों में से किसी एक को चांस मिल सकता है और लंबा चांस मिल सकता है। लोमरोर के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है, बॉलिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो वो शायद स्टार्ट तो महिपाल लोमरोर ही करेंगे।
फिर आपके आगे दिनेश कार्तिक फिनिशिंग रोल में नंबर 6 पे, नंबर 7 पे आ गए शाहबाज अहमद। धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया अपने गेम में एंड नंबर 7 का स्पॉट परफेक्ट है उनके लिए। उनको शायद फ्लोटर भी यूज करते हैं, कई बार ऊपर भी भेजते टीम, तो वो एक इंटरेस्टिंग रोल रहने वाला। फिर आते हैं आपके वानिंदू हसारंगा, फिर उसके बाद प्रॉपर फास्ट बॉलर्स में चले गए आप मोहम्मद सिराज और रीस टॉपली। बुरी टीम नहीं है, बुरी 11 नहीं है, पर उस 11 के बाद का जो है वो उतना ज्यादा सॉलिड नहीं लग रहा है। आपके अगर इम्पैक्ट सब्स वगैरह की बात करें तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मे बी आप आकाशदीप को यूज कर सकते हो एज एन इम्पैक्ट सब, अगर आपको बॉलिंग लंबी करनी है थोड़ी सी। मे बी अगर सुयश प्रभुदेसाई नहीं खेलते हैं 11 में, अगर आप शुरू नहीं करते उनसे, तो आप एज एन इम्पैक्ट सब उनको यूज कर सकते हो। पर बहुत ज्यादा इंडियन ऑप्शंस नहीं है इनके पास, इंडियन एक्सपीरियंस ऑप्शंस नहीं है, सारे नए नए लोग हैं। अगेन उनमें से कोई निकल के आ जाए बहुत बढ़िया कर जाए तो ग्रेट, बट एट दिस पॉइंट ऑन पेपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इनका इम्पैक्ट सब के साथ एक्चुअली इम्पैक्ट कर पाना। की प्लेयर्स की अगर बात करें तो फाफ और विराट तो ऑब्वियसली उनके अलावा बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा बड़े नाम है भी नहीं एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर आगे मोहम्मद सिराज और वानिंदू हसारंगा, इन दोनों बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये टीम कितनी आगे तक जा पाएगी। आगे तक जा पाने के बारे में अगर बात करें तो चांसेस इस टीम के, देखो सम ऑफ पार्ट्स कहते हैं जिसको, सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग रोल्स प्ले करें, जिस तरह से गुजरात टाइटन्स ने किया था लास्ट ईयर, अगर उस टाइप का कुछ कर जाए ये टीम तो पता नहीं। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम हर डिपार्टमेंट में वीकनेसेस और इतनी सारी इंजरीज, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरीज की वजह से थोड़ी सी वीक लग रही है टीम एंड शायद मिस आउट कर जाएं इस बार टॉप 4। बाकी आपके हिसाब से किस तरह के चांसेस हैं आरसीबी के सीजन में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं नीचे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक का बटन जरूर दबा दो प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो इसे। बाकी इस टाइप का और कंटेंट देखने के लिए आईपीएल टीम प्रीव्यू सीरीज में बने रहने के लिए और बाकी इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।